नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। सबसे पहले अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, हमने ही डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी ओर बच्चे का मामला, बेटियों के कारण एक ही बेटा रहे इसलिए अन्य बच्चे को जन्म नहीं दिए। आज जिस प्रकार से गली मोहल्लों में लड़ाई लोगों के बीच होता है, बहस होता है, बीते दिन यानी कल 27 नवंबर को बिहार विधानसभा में देखने के लिए मिला। आखिर नीतीश जी इतना गुस्से में क्यों हो जाते हैं? नीतीश जी को गुस्सा क्यों आ जाता है? या फिर तेजस्वी यादव बीते दिन की बात, जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां पर बीते दिन की बात, बच्चे इतना क्यों, इतना कम क्यों, निशांत ही बेटा है या और कोई और है या कितने हैं, यह तो नीतीश जी बताएं। यह व्यक्तिगत बात विधानसभा में करना शायद ठीक नहीं है। और नीतीश जी को भी इस रूप में गुस्सा आना, गुस्सा फूटना लाजमी नहीं, बेहतर नहीं है। श्रीमान, आप मुख्यमंत्री हैं और गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। आपके रूप को देखकर चाहे गलती किसी का हो, बिहार के लोग शायद सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री इतने गुस्से में हो सकते हैं। पहली बार कभी ऐसा बिहार के लोग शायद नहीं देखे होंगे इतने गुस्से में। ऐसे मंच पर भी आपको गुस्सा आता ही रहता है लेकिन इस रूप में कभी शायद नहीं देखा होगा। चलिए, यह तो मैं अपनी बात कह दिया, जो कल हुआ वह होना नहीं चाहिए, क्योंकि विधानसभा का कार्यवाही केवल आप ही लोग आपस में बैठ कर नहीं सुनते हैं और देखते हैं, बल्कि बिहार का ही नहीं पूरे देश के लोग देखते और जानते हैं। यह शायद बेहतर नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, हम उस विशेष कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो मेरे मन में आया उसे कहना जरूरी हम समझते हैं। आइए अखबारों में क्या छपा है। अखबारों में भी यही हेडलाइन है कि तेजस्वी के तीखे बोल पर फूटा नीतीश का गुस्सा। सीएम बोले, भाई जैसे दोस्त का बेटा है इसलिए चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, अब कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने लगाया था हत्या और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। कल का कार्यवाही पर सभी अखबारों में हेडलाइन बनाया गया है, मुख्य पेज पर लाया गया है, और मुख्यमंत्री के गुस्से को और तेजस्वी के बिगड़े बोल को दिखाया गया है कि इस तरह से ना तो तेजस्वी को बोलना चाहिए था और इतना क्रूर, इतना गुस्सा, इतना तीखा वान मुख्यमंत्री को भी नहीं चलाना चाहिए था। चलिए, सीखने के लिए मिलता है। हम भी बिहार के एक जनता हैं, हमें भी यह अधिकार है कुछ कहने का, कुछ बोलने का, लेकिन जो हुआ कल वह शायद नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी यादव के सवाल और नीतीश कुमार के जवाब। तेजस्वी ने सवाल किया, जनादेश की चोरी हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2017 में जब आरोप लगे हमने कहा कि जाकर एक्सप्लेन करो, क्यों नहीं किया, हम अलग हो गए तो क्या काम रुक गया? तेजस्वी, इस बार का जनादेश परिवर्तन का था, हमें अधिक वोट मिले। नीतीश कुमार, बहुमत की बात करते रहते हैं, चुनाव में जनता मालिक होती है, इधर 125 है, आप ही तय कर ले किसके पास बहुमत है, अगर किसी को गलत लगता है तो कोर्ट जा सकता है। तेजस्वी, मुख्यमंत्री को पांडुलिपि की चोरी में जुर्माना देना पड़ा। नीतीश कुमार, मैं तो कुछ कहता नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि चार्ज शीटेज हैं,
कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, मेरे बारे में आरोप लगा दिया। हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, विजय बाबू ने पढ़ दिया है। यानी कि तेजस्वी के हर सवाल का जवाब भी मुख्यमंत्री ने बखूबी दिया। हालांकि मैंने भी ये देखा है कि जब तेजस्वी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, आरोप पर आरोप लगा रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनमें क्या हो जाता है और इस प्रकार से वो बोलना शुरू करते हैं, क्या होता है। लेकिन सदन के बाद मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से तेजस्वी के संबंध में बताने का कोशिश किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब इस प्रसारण को जानकर, इस तरह की बातें को जानकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा कह दिए, वो हारे हुए हैं, बहुत तरह की बातें। इस तरह से बिहार के विकास की बात होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत बात होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत बात ही होता रहे तो बिहार का विकास क्या होगा। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बच्चे गिन रहे थे, मेरे पिता के बारे में कह रहे थे कि बेटी पर भरोसा नहीं था, बेटे की चाह में 9 बच्चे पैदा किए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नीतीश जी ने बेटी होने के डर से दूसरी संतान को जन्म नहीं दिया। तेजस्वी यादव का एक कहना था, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने तो चुनाव के दौरान मजाक में बच्चे वाली बात कह दिया था। खैर, दोनों तरफ से अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। आगे की खबर की ओर चलते हैं तो सुशील मोदी को भाजपा ने बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। सुशील मोदी को खुश करने के लिए राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। रामविलास पासवान का जो सीट बचा हुआ था शायद उस पर बन रहे हैं, चिराग पासवान अंधेरे में हो गए। इकोनॉमी का सबसे खराब दौर पीछे छूटा, वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान इकोनॉमी में सिर्फ 7.5% की गिरावट हुई है। अभी जेल में ही रहेंगे लालू, जमानत पर 11 को सुनवाई, फिर से सुनवाई होगा, कल सुनवाई हुआ नहीं मिल पाया जमानत। सताने का हथियार न बने कानून। ऑनलाइन एसटीएटी के परिणाम घोषित करने पर लगी रोक। इस तरह के बहुत सारे खबरें जो हैं अखबारों में हैं। इतने गुस्से में कभी नहीं दिखे नीतीश कुमार, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, अखबारों में भी ये हेडलाइन बनाया गया है कि इतने गुस्से में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार के सीएम चीफ मिनिस्टर, इतने गुस्से में कभी शायद नहीं दिखे थे, लेकिन इस बार देखने के लिए मिले। सदन के बाद शांत दिखे मुख्यमंत्री, कहा कि हमने तो चुनाव में मजाक में बच्चों की बात की थी, कोई लाख चाहेगा एनडीए में कुछ इधर उधर नहीं कर सकेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। विधानसभा चुनाव का गुस्सा तेजस्वी यादव ने सदन में उतारा। चुनाव का गुस्सा जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में जो नीतीश कुमार इधर उधर जो मंच पर बोल रहे थे, उसका गुस्सा जो है तेजस्वी यादव सदन में उतारा। एग्जिट पोल पर ही उछलने लगा विपक्ष। इधर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि एग्जिट पोल पर ही विपक्ष जो है उछलना शुरू कर दिए, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और हुआ और रिजल्ट कुछ और हुआ। यानी कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष ने एग्जिट पोल पर भरोसा किया। तेजस्वी की भाषा राजनीति के शमशान की उनका पीछा करेगी। नीरज कुमार का कहना है कि तेजस्वी की भाषा राजनीति के शमशान तक उनका पीछा करेगी। भाजपा के ने सांगठनिक तौर पर बिहार को दो भागों में बांटा, रत्नाकर बने सह संगठन महामंत्री। बिहार के सभी स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई, प्रेमचंद्र मिश्रा। मास्क पर खूब मिली नसीहत, तेजस्वी को जेब से मास्क निकालकर दिखाना पड़ा। सदन में मास्क को लेकर भी बहुत बवाल मचा। अंतोगत्वा तेजस्वी यादव को अपने पास से मास्क को निकालकर दिखाना पड़ा। इस तरह से बिहार में राजनीतिक और बिहार की बात लोग किया करते हैं। साहेब, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर ही निशाना एक दूसरे पर साधते रहेंगे, आपस में व्यक्तिगत रूप से लड़ते रहेंगे, तो आप चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विकास क्या कर पाइएगा। तो अभी भी श्रीमान चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, व्यक्तिगत कार्यों को निशाने पर लेना छोड़ दें, व्यक्तिगत बात छोड़ दें, और जो बिहार की सार्वजनिक बात है उस मुद्दे पर अगर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 7 निश्चय योजना चाहे 1 हो या 2, अगर उनमें गलत लगता है, 2 मेरा काम जो होने वाला है उसमें गलत लगता है, तो उसको लाएं,
हम उस पर जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, कानून है तमाम चीज़। तो अगर जब सत्ता पक्ष से लोग इस तरह से कर रहे हैं तो विपक्ष को भी चाहिए कि जो वर्तमान में काम चल रहा हो उसमें अगर गलत है तो लोग, यही होता है कि जब समय बीत जाता है तो उसको मुद्दा बनाते हैं, जो वर्तमान में हो रहा है उस काम में अगर गलत हो रहा है तो उस पर मुद्दा बनाइए और उसको बेहतर कराने का काम कीजिए। तो आज मैं वीडियो में यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए लंबी नहीं हो, बिहार का विकास हो। इन्हीं विकास के साथ में आपका क्या विचार है? क्या कल जो विधानसभा में घटना सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच में हुआ वह ठीक रहा? आपके विचार में क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले और सबसे आगे पहुँचता रहे। तो बिहार की खबरों से बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।